मूलतः अभी की स्थिति में हमारे सप्तरी ये कुछ कार्यक्रम सब रहे पार्टी कार्यक्रम सो हिसाब से आज कुछ जाकर के आज के माध्यम से अपन कुछ बात करके के मौका भी हमारा मिले हुए चीज हमारा बड़ा खुशी लग रहा है। अभी की स्थिति में अभी देश की जो परिस्थिति थी जो राजनीतिक अवस्था थी और एक एक से और एक एक मिनट एक एक सेकेंड और एक एक घंटा एक राजनीतिक घटनाक्रम से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हमारा सबके मान्यता की है कि पिछले इतने 20-25 वर्ष के लिए लंबा दौर शस्त्र आंदोलन शस्त्र संघर्ष का 62-63 आंदोलन के बाद के और 62-63 से पहले ही 52 साल के लिए नेकपा माओवादी अभी के नेकपा माओवादी केंद्र के नेतृत्व में ये शस्त्र गुंड से शुरू बल चली तो 52 साल से जो बात कर सकते 20 वर्ष के एक गुंड के समाप्त होकर एक नया चरण की राजनीति की शुरुआत के करीब करीब कगार में नेपाल बैठे। अभी की स्थिति में वर्तमान नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व तो सब अगर तनका संवेदनशील बैठा ये देश के माटी छुका ये देश के प्रति ईमानदार और वफादार भक्त जते भी विगत में सन्धि समझौता लगा किसी भी राज्य एक किस्म के समझौता कर विभिन्न पक्ष के मांग के समर्थन करवा के जे हिसाब से राजनीति के एक बिंदु में पहुंचावे वाला जो क्षण है वही क्षण पे सावधानी बरत कर सबके समावेश कर अगर भारतीय कल्पना के साकार करवाया लेकिन अभी अभी तक स्थिति में जो कुछ दल सबके हट अहंकार और अहम के जे प्रस्तुति जे दे दे आवर आ रहा है जे अभिव्यक्ति जे हिसाब से आ रहा है अगर ये भी तनका भी अगर हम सब असावधानी बरती या कुछ तनका असंवेदनशील हिसाब से अपन अहम और हक के गाड़ी पर आई तो फिर देश दोसर आई द्वंद के कारण में पड़ेगा। ये संविधान की कार्यवाही के लिए अभी जो परिमार्जन संविधान परिवर्तन क सबके संविधान बनाने के लिए तत्काल स्थिति में जे तत्ते संभावित समाधान जे छै ओहि समाधान के ल क सबके संविधान कार्यक्रम के चरण में सहभागी बनाने हेतु मधेसी आदिवासी दलित जनजाति एक चरण में सबके कार्यक्रम संविधान कार्यक्रम हेतु अगाड़ी बड़ा बड़ा स्थिति छै वही स्थिति में करीब करीब हट अगर छोड़ दे कुछ पार्टी सब हमारे विचार से वो परिस्थिति निर्माण हो जा रहा है। जना कैद तक स्थिति में एक दमपूर्ण अभिव्यक्ति आज है कि 90% बहुमत के आधार पर बनल संविधान ये जना बुझाए कि भगवान बना देने से वही संविधान वही हिसाब से इनमें कौन तलाबाती नहीं है वाला बात आ चाहिए कम से कम अभी 70% अब की गई से आके संविधान सभा के सदस्य अपने संसद परिवर्तित संसद के सदस्य में 70% सदस्य इस संविधान के अधूरा मैन को परिवर्तन के प्रस्ताव पेश कर रहे हैं तो 70% मेजोरिटी इस संविधान अधूरा छह ये बात को प्रमाणित करके आके प्रस्ताव दे पेश कर रहे हैं और उन प्रस्ताव में थप परिवर्तन की बात हम सब लेकर और हम सब लचकता अपना तैयार छे कि चलो भाई ठीक से अभी की स्थिति में कुछ वही में सुधार परिमार्जन का गाड़ी बढ़ल जा सके कहते अगर कोई कमजोरी महसूस करे और 70% मेजोरिटी के भी बयान लपत्या कर अपना हट वाला बात अगर लागू करे तो यहाँ देश में जे दुर्घटना होने के संभावना है सबको जिंदुबाई जिनका समझ हम सब चाहे करीब करीब 20 वर्ष के 3 द्वंद के अंत हो और एगो समावेशी संविधान का आधार हम सब अगड़ी बढ़ी प्राप्त उपलब्धि के संस्थागत करे तो बाद जो बाकी जी आगामी दिन में संघर्ष करें एक रास्ता के लिए हम सब बहुत उदार भाव का अगर बढ़ल छी लेकिन अभी तक आज तक स्थिति में विशेष करके संसद के दूसरा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो अभी प्रतिपक्षी में छह एमआईए के लिए खातिर दमपुर अभिव्यक्ति अभी तक आ रहा है यही देश के विकास की बहुत बड़का बाधक है और ये देश में स्थायी शांति के ये कल्पना जी जनता के छे भाई शांति बने देश का संघ अगड़ी बढ़ावे समृद्ध बनावे लेकिन कोई चीज के लिए बहुत बड़ा तो सारा बात वाला बात से हुई जब यद्यपि हम एक भी चीज में विश्वस्त थी चूंकि अभी की स्थिति में थाने निकाय की बहुत ज्यादा तैयारी बहुत ज्यादा आतुरी नेकपा एमाले के दिखाई दे चुकी जब वही सब उस सब परिस्थिति के
फाइदा उठाल गुरगासको चाहि अरुगासको दचकदार भएको निर्वाचन माहौल बनाउनु चाहि संविधान संशोधनले साथ दिएको चाहि अनि यी हेते सोरा विश्वास लिएर कलाकि सबदिन एमाले दुधारमा चलेछ सबदिन गुरगासको डबल स्ट्यान्डर्ड भन्ने पोलिटिक्स चाहिँ एक तर बडा कडा स्ट्यान्डका छ अब दचकदारको सम्बन्धता गरेछ पुरै नयाँ बात ओइसा अभी तक परिस्थिति ऐसे हम तो यही जान लीजिए कि सरकार भी आई जी का इंजीनियर कर दिया विगत के संबंध संबंध के प्रताप दत्ता वगैरह फिर तो वाला था नया परिस्थिति में नया हिसाब से जब संबंध के प्रताप गाड़ी बढ़ रही है यदि भी इस संबंध प्रताप एग्जैक्टली की से वाला बात ना हो तो समझान कह रही नहीं सरकार ने नहीं कह रही थी जब सैद्धांतिक हिसाब से हमारा समझ मिल सके लेकिन अब यहाँ तो की से यहाँ के संविधान बनावा वाला सब इतनी ज्यादा चलाक से उस शब्द शब्द में खेली चाहिए एक ना शब्द से एक अर्थ लगे दूसरा शब्द दूसरा अर्थ लगे जब तक टोटल कंटेस्ट नहीं बुझेगा थे वही बारे में स्पष्ट रूप से कमेंट करना ही मुश्किल है लेकिन अभी स्थिति यह है हम सब चाहे कि एक अर्थ क्यों हो मधीसी आदि वैसे दलित जनता को लगा सब समावेश संविधान बने और संविधान कार्य हो निर्वाचन निर्णय के माहौल तैयार हो हम सब निर्वाचन सकूल